मथुरा बिजली विभाग का अनोखा प्रयोग, अब नहीं होंगे ट्रांसफार्मर गर्म। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मथुरा में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। वातावरण में तापमान में बढ़ोतरी के बाद लाइट का संकट भी बना हुआ था, क्योंकि ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो रहे थे और ट्रिप मारकर बंद हो जा रहे थे, जिससे उपभोक्ता लाइट न मिलने के कारण परेशान हो रहे थे। बिजली विभाग द्वारा एक अनोखा प्रयोग कर देखा गया, जो कि बिल्कुल सफल रहा है। कृष्णानगर बिजली घर का आप ये दृश्य देख रहे हैं। आपने इस भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर पर पानी डालते कूलर लगे हुए कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अलग ही प्रयोग देखने को मिला है। यहाँ पर ड्रम में पानी भरकर ट्रांसफार्मर के ऊपर टाट का कपड़ा डालकर मोटर के माध्यम से उस पर पानी लगातार चलाया जा रहा है, जिससे अत्यधिक तापमान में ट्रांसफार्मर ठंडा रहे और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सही से मिलती रहे। कृष्णनगर SDO रमेश सोनी द्वारा बताया गया कि गर्मी के कारण लगातार तापमान बढ़ रहा था और ट्रांसफार्मर गर्म होकर ट्रिप मारकर बंद हो रहे थे, जिससे लाइट प्रभावित हो रही थी, जिससे उपभोक्ता परेशान हो रहे थे। इसके बचाव के लिए पहले ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुए। उसके बाद ये प्रयोग करके देखा गया है और ये प्रयोग सफल रहा है। उपभोक्ताओं को लगातार बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। इस सिस्टम को बनाने के लिए 200 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है, तो उसी दौरान ये पंप लगातार ट्रांसफार्मर पर चलता रहता है, जिससे ट्रांसफार्मर ठंडे रहते हैं और बिजली आपूर्ति भी सुचारू रहती है। सर, बीच में बिजली कटौती की काफी शिकायत आ रही थी, इसको देखते हुए बिजली विभाग द्वारा कूलर लगाए गए थे, जिससे कि टेम्परेचर बहुत तेज था, जिसके चलते जो कूलर है वो लगाए गए थे। लेकिन अब देखा गया है कि एक मोटर लगाई गई है, जिसमें पैप डालकर और उसके ऊपर टाट डाल दिए गए हैं, जिससे टाट वो गीले हो रहे हैं। तो अब इससे क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, गर्मियों में क्या होता है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोड बढ़ने से जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसफार्मरों की ट्रिपिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस समस्या के निदान के लिए कूलर लगाए गए थे, और कूलर से बहुत इफेक्टिव कूलिंग नहीं होने के कारण हम लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया, जिसमें लगातार ट्रांसफार्मर के जो रेडिएटर होते हैं उस पर पानी का छिड़काव होता रहता है, और कूलर चलता है, तो इससे उसकी कूलिंग बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो इससे हमारा जो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है वो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं इसे। सर, किस तरीके से छिड़काव किया जाए? इसमें एक सिस्टम हम लोगों ने लगाया है, जिसमें एक मोटर लगाया है एक ड्रम में, जो लगातार जो है पानी का छिड़काव रेडिएटर्स पे करते रहते हैं, और इससे कूलिंग सिस्टम बना रहता है, बढ़िया बना रहता है। सर, कितनी मोटर लगाई गई हैं, और अगर पूरे दिन की 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो कितने लीटर पानी का इसमें वो आ रहा है? इसमें 200 लीटर पानी का कंजप्शन एक ट्रांसफार्मर हो जाता है, एक ड्रम पर्याप्त होता है, जिसे हमें सुबह लगभग 9:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ये क्योंकि धूप ज़्यादा रहती है, उसमें हीटिंग ज़्यादा होती है, तो सुबह के टाइम पे ही हमें ये सिस्टम लगा चालू कर देते हैं, और शाम को 4-5 बजे तक सिस्टम चलता है, तो हमारी हीटिंग नहीं होती है इससे। सर, इस तरीके से क्या जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है? इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ट्रांसफार्मर गर्म नहीं हो रहे हैं, इस कारण जो गर्म होने से जो दिक्कतें आती थी वो अब नहीं हो पा रही है, मतलब अब सही हो गया है सिस्टम, दिक्कत नहीं, अब राहत है, सप्लाई अच्छी चल रही है। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.